हेलो नमस्कार, आप लोग को फनी गेम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए समान ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 48 को, तो जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फटाफट जुड़ जाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सके। अब यहाँ पर आप लोग कुछ लोग होते हैं भाई, आप लोग देखते रहते हैं लेकिन आप जो है ना तो लाइक करते हैं ना तो आप कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो एक गलत बात है ना। जो आपको पता रहे कम से कम उसका जो है जवाब देने की कोशिश किया करिए, हमेशा ये करना चाहिए आपको, ठीक है। इससे आपको पता चलता है भाई मैंने जो जवाब दिया वो सही था या गलत था या नहीं पता था, तो जो भी चीज़ें रहती है आपको करेक्टली बाद में पता चल जाती हैं। शुरू करेंगे और देखेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन रहा है आपकी स्क्रीन पर, दीजिए इसका जवाब क्या है। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो कहाँ पे है? अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की, तो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा आपका जितने भी अभी तक शहीद हुए हैं, जैसे कि आपका देखा जाए तो पाकिस्तान से जो युद्ध हुए, जो हमारे चाइना से युद्ध हुए हैं, बाकी जो है आपका कारगिल जो अभियान मतलब विजय चलाया गया था, तो उसमें जो भी अपने शहीद हुए देश के उसके लिए जो एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया है? नेशनल मेमोरियल वार जो है कहाँ बनाया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट वन, अलमाटी बांध किस नदी पर है? ऑन विच रिवर इज द अलमाटी डैम लोकेटेड? अलमाटी डैम की बात की जा रही, तो अलमाटी देखिए, अलमाटी से आपको पकड़ना है कि जैसे कृष्ण भगवान के हमेशा मुंह में माटी होती है, जब वो छोटे थे तो उनके मुंह में मट्टी होती थी, तो अलमाटी, अलमाटी की जो किसके मुंह में होती थी? कृष्ण के। तो यहाँ पे कृष्णा से क्या हो जाएगा? कृष्णा रिवर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दे रखा है, यानी आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे। तो अलमाटी जो डैम हो किस पर है? कृष्णा नदी पर, ध्यान रखिएगा, कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जा रही है, जिसकी पहली महिला कौन बनी थी? एनी बेसेंट। पहली महिला कौन बनी? एनी बेसेंट, जो कि आपके यहाँ के भारतीय नहीं थी, उन्होंने यहाँ के नागरिकता ली थी, वो आयरलैंड की थी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पहली भारतीय महिला, मतलब जो यहाँ की ही मतलब जिनकी पैदाइश रही हो, तो कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन की इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। ओके, नेक्स्ट है, अगर सुचेता कृपलानी की बात की जाए, तो जो है पूरे भारत में जो है प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी, जो कि किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। कस्तूरबा गांधी के बारे में तो आप जानते ही, महात्मा गांधी की वाइफ थी। नेक्स्ट वन, विनेशा फोगाट किस खेल से जुड़ी हैं? विनेशा फोगाट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? विनेशा फोगाट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे किस खेल से जुड़ी हुई, तो रेसलिंग से जुड़ी हुई हैं, कुश्ती से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट वन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, आपको जीएस के लिए जो है आपको लगता है कि मैं फास्ट चलता हूँ, तो ये आप गड़बड़ हैं, क्योंकि जीएस को आपको इतना ज़्यादा समय नहीं देना। अगर आपको 20 क्वेश्चन करना है तो उसको कोशिश करना है कि 10 मिनट के अंदर कर लेना है, ध्यान रखिएगा, 10 मिनट के अंदर कर लेने की कोशिश करना है आपको। इससे ज़्यादा समय आप जीएस को ना दीजिएगा, क्यों? क्योंकि भाई इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहता कि आपको कैलकुलेशन करना है, इतना ज़्यादा कुछ सोचना है, बस आपको डायरेक्टली देखा आया तो ठीक है, नहीं तो आप टिक किया, सही बात खत्म। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की बात की जा रही है, तो इसका यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पे बनाया गया है? लंदन में, लंदन में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। इसकी स्थापना 1948 में की गई, 1948 में। और किसकी स्थापना की गई? WHO की, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी स्थापना आपकी कब की गई? तो यहाँ पे 1948 में ही की गई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात की जा रही है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे? जिनेवा में है। नेक्स्ट है, भारत ने निम्न में से किस देश के साथ राफेल विमान सौदा किया था? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया साइन द राफेल एयरक्राफ्ट डील? तो राफेल विमान की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यहाँ पे किस देश से हमने मंगाया है? फ्रांस से। फ्रांस की अगर राजधानी की बात की जाए तो फ्रांस पेरिस, यूरो यहाँ पर मुद्रा चलती है। इटली रोम यूरो,
रूस मास्को रूबल, रूस की राजधानी मास्को और रूबल यहाँ पर मुद्रा चलती है। जर्मनी की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जर्मनी की फटाफट राजधानी बताइए, बर्लिन, बर्लिन यूरो, जर्मनी बर्लिन यूरो। नेक्स्ट वन, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, तो यहाँ पे अगर कुषाण वंश के यहाँ पे संस्थापक की बात की जाए, फाउंडर की बात की जाए, कौन थे, कुजुल कडफेसस, कुजुल कडफेसस जो है इस वंश के क्या थे, लास्ट रूलर थे। ओके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट, कुचिपुड़ी की यहाँ पे बात की जा रही है, क्वेश्चन आपके कई बार कराए जा चुके हैं तो ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, तो किससे रिलेट करता है, आंध्र प्रदेश से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु अगर आपका पूछेगा तो क्या रहेगा, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। केरल की अगर बात करेंगे तो मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम और कथकली, कथकली। कर्नाटक की बात करेंगे तो यक्षगान, तो ये कथकली है, और अगर कथक आपका देगा तो आपका किससे हो जाएगा, यूपी से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। मणिपुर और उड़ीसी जो है वो दोनों क्या है, अपने राज्य के नाम से ही पड़े हैं। नेक्स्ट वन, भारतीय रेलवे ने अपनी पहली रामायण एक्सप्रेस को कहाँ से हरी झंडी दिखाई है, वेर हैज इंडियाज इंडियन रेलवेज फ्लैग्ड ऑफ इट्स फर्स्ट रामायण एक्सप्रेस, मतलब इस रेलवे का नाम ही क्या है, रामायण एक्सप्रेस रखा गया है, तो ये कहाँ से शुरू की गई है, तो सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया, कहाँ से, सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया है, याद रखिएगा सफदरजंग रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई लोकेटेड, तो आरबीआई के मुख्यालय की बात की जा रही है, तो आरबीआई का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है, आरबीआई की मुख्यालय मुंबई में, वर्तमान में जो आपके यहाँ पे गवर्नर जनरल यहाँ पे हैं कौन है, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे इसकी स्थापना की, तो 1935 में इसकी स्थापना की गई, 1 अप्रैल 1935 में। इसका जो नेशनलाइजेशन किया गया यानी राष्ट्रीयकरण जो इसका किया गया वो कब किया गया यहाँ पे, तो 1 जनवरी 1949 को, यानी 1 जनवरी 1949 को इसका क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। ओके अब यहाँ पे नेक्स्ट, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर टू इन्वेड इंडिया, भाई भारत पे आक्रमण किया सबसे पहले किसने, तो किसके द्वारा किया गया, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया गया था। तो आपसे सीधे पूछेगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, या प्रथम मुस्लिम कौन था, तो आपको ध्यान रखना क्या, मोहम्मद बिन कासिम। जब बख्तियार खिलजी की बात करें तो इसके द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय को क्या गया था, गिराया गया था, ध्वस्त किया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग दी थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी आपके जो पहला दूसरा तीसरा जो तीनों आपके गोलमेज सम्मेलन हुए उसके समय जो है आपके कौन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, यानी 1930 से आपका शुरू हुआ और ये आपका 1932 में जाके कंप्लीट हुआ, तो तीनों की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये किसके मतलब उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर कौन थे ब्रिटेन इंग्लैंड के, तो कौन थे, रैमसे मैकडोनाल्ड थे, कौन थे, रैमसे मैकडोनाल्ड थे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है रैमसे मैकडोनाल्ड। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो पॉम स्टोन कौन है, पॉम स्टोन जो है जब आपका 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय जो है पॉम स्टोन जो है क्या थे, प्रधानमंत्री थे, इम्पोर्टेंट है। और गांधी जी ने केवल आपका सेकेंड जो आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें क्या हुआ था, भाग लिया था, गांधी जी सम्मेलन में किस में भाग, सेकेंड वाले में, तीनों में किसने भाग लिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, विन वाज गांधी इरविन पैक्ट,
तो यहाँ पर गांधी इम्पैक्ट की अगर बात की जाएगी तो कब हुआ था, 1931 में, 4 मार्च 1931 को, 4 मार्च 1931 को हुआ था। पूना पैक्ट अगर आपसे पूछेगा तो क्या रहेगा, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पाकिस्तान की मांग जो है सर्वप्रथम कब की गई थी, लाहौर अधिवेशन में, जो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में, यहाँ पे क्या किया गया था, किसकी मांग की गई थी, पाकिस्तान की मांग की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, व्हेन वाज द मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड, मुस्लिम लीग की स्थापना की बात की जा रही, मुस्लिम लीग जो है उसका फाउंड कब किया गया, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अगर बंगाल विभाजन की बात करेंगे तो 1905 हो जाएगा, और बंग भंग आंदोलन आपसे, बंग भंग आंदोलन तो भी आपका क्या, 1905 में हुआ। 1912 की अगर बात करें तो दिल्ली को जो है यहाँ पर राजधानी बनाया गया, कलकत्ता से जो है भारत की राजधानी को ट्रांसफ़र करके कहाँ, दिल्ली को बनाया गया। 1917 की बात करें तो नील विद्रोह जो इसी समय हुआ था, आपका चंपारण आंदोलन कह सकते हैं, चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। नेक्स्ट वन, भारत के निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा दक्षिणतम पर्वत है, विच एमंग द फॉलोइंग माउंटेन्स ऑफ इंडिया इज द साउथर्न माउंटेन, तो सबसे दक्षिण में जो है, यानी आपका जो ये वाला पोर्शन इधर की बात की जा रही, तो सबसे जो दक्षिण में आपका आता है क्या आता है, अनायमुदी आता है, अनायमुदी जो कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला जो है अन्नामलाई, इसकी यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पे पड़ेगा, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ओके, भारत की जो सबसे ऊँची है तो कौन है, केटू गाडविन है, जो कि आपका पीओके में है, यानी पाक अधिकृत, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में। अगर आपसे पूछे कि भारत में अवस्थित, यानी भारत में जो प्रेजेंट टाइम में है वो कौन सी चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि भारत में अवस्थित है, तो आपका क्या जवाब हो जाएगा, तो उस समय आपका जवाब रहेगा कंचनजंघा, कंचनजंघा तक हो जाएगा। नेक्स्ट वन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला करके एक कर दिया गया है, यहाँ पे जो आपका मुंबई और मद्रास और बंगाल थी, तीनों प्रेसिडेंसी को मिलाकर एक कर दिया गया, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था तो उसको हटा करके क्या बना दिया गया, यहाँ पे अब बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का जो गवर्नर जनरल बना वो था कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल था और प्रथम जो है भारत का गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या थे, प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड वेलेस्ली की बात की जाए तो इसने जो है सहायक संधि को शुरू किया था, क्या किया था, सहायक संधि को, सहायक संधि को। वॉरेन हेस्टिंग की बात की जाए तो ये जो है आपका क्या था, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट वन, व्यपगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को किसने समाप्त किया, हु एबोलिश्ड द लैप्स्ड प्रिंसिपल आई दी पॉलिसी ऑफ स्टेट मर्जर, आई दी आर आर इसको कह सकते हैं, ठीक, आइदर कह सकते हैं, द पॉलिसी ऑफ स्टेट मर्जर, यानी जो राज्य विलय नीति थी, तो यहाँ पे कह रहा है कि समाप्त किसने किया, तो समाप्त की अगर बात करेंगे तो कौन समाप्त किया था इसको, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने इसको अपने शासनकाल में इसको समाप्त कर दिया गया। इसको शुरू किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको शुरू किया था, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, इसको शुरू किया था। सबसे पहले इसके अंतर्गत जो आपका कोई अगर जिला आया था, कोई स्टेट जो आया था, तो कौन था, उस समय सातारा था, मुंबई का, महाराष्ट्र का सातारा। ओके, सबसे पहले जो आपका व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत आया राज्य विलय नीति में वो क्या था, सातारा था। यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग जो आपका प्रथम वायसराय थे, विधि के प्रथम वायसराय, अंतिम जो है गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। नेक्स्ट वन, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, विच इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ द मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो किसे कहा जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि को, जिब्राल्टर जल संधि को जो है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है।
ओके, स्वेज नहर जो है आपका क्या होता है कि मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर को लाल सागर को क्या करती है, कनेक्ट करती है यानी जोड़ने का काम करती है। अटलांटिक महासागर की अगर बात करें तो अटलांटिक महासागर एकमात्र ऐसा महासागर जिसकी शेप जो है आपका अल्फाबेटिकल यस के टाइप का है, ठीक है, अल्फाबेटिकल यस लेटर के जैसा है। किसका? अटलांटिक महासागर का। नील नदी का उद्गम स्थल है, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ नील रिवर, ये आपसे एम एस सी वाले स्टूडेंट्स के लिए पूछा गया था। एम एस सी वालों के लिए दो क्वेश्चन यहाँ पे नील से पूछे गए थे पिछली बार 2020 में डायरेक्टली कि भाई इस विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है और नील नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है, दो क्वेश्चन एकदम सीधे सीधे पूछे गए थे। तो यहाँ पे अगर बात की जाए ओरिजिन ऑफ नील रिवर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से आपका नील नदी निकलती है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी भी है और कौन सी है, नील नदी है। ये निकलती कहाँ से, विक्टोरिया झील से निकलती है। अपना जल कहाँ गिराती है, तो भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। सुपीरियर झील की बात करें तो विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। तिब्बत के पठार की बात की जाए तो इसको जो है विश्व का छत भी कहते हैं, ठीक है, विश्व का छत कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मानसरोवर से झील की बात की जाए तो यहाँ से जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, सिंधु नदी यहीं से निकलती है। नेक्स्ट वन और लास्ट क्वेश्चन आपका है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द इरीगेशन इन पेंसुलरा इंडिया। तो क्या है यहाँ पे, दक्षिण भारत की बात की जा रही है, जो प्रायद्वीपी जो बीच वाले पोर्शन उसकी बात की जा रही है, जो नीचे से थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन उसी की बात की जा रही है। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है किसके द्वारा होती है, तो तालाबों से की जाती है। सबसे ज़्यादा सिंचाई कैसे की जाती है, तालाबों से की जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में, तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में। ओके, तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे 20 सभी कंप्लीट हो गए हैं। और अगर एनी क्वेश्चन डाउट इन द वीडियो दे व्हाट्सएप पर 9170788397। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फारंग जबेद आशीष सर, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।